अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह ईद स्पेशल मटन बिरयानी बनाएंगे। ये बिल्कुल बावर्चियों वाली बिरयानी है जो आजकल शादियों या रेस्टोरेंट्स में बन रही है। आजकल की शादियों वाली बिरयानी के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 किलो बकरे का गोश्त ले रहे हैं। इस गोश्त को आप पहले 1 घंटे तक पानी में भिगो कर रखिए। देखिए, सभी बावर्ची वगैरह जब भी बिरयानी बनाते हैं तो उसे 1 घंटे तक इसे पानी में भिगो कर रखा जाता है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो चली जाए, गोश्त इसका जो है लाल होता है इसकी वजह से। तो आप इसे 1 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें या रखें। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना है। और हाँ, गोश्त के जो पीसेस हैं वो बिरयानी के लिए ख़ास तौर पर थोड़े से बड़े बड़े पीसेस लिए जाते हैं, और इन इन पीसेस की वजह से बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छी दिखाई भी देती है। तो हमने ये गोश्त लिया, उसे हमने धो लिया। धोने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट अगर फ्रेश होगा तो ही बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और देखिए, हमने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया और अब ऐड कीजिए 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च भी लाल होनी चाहिए, ठीक है। और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, यानी 1/4 टेबल स्पून। टेबल स्पून थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, इसीलिए हमने 1/4 टेबल स्पून इसमें डाला है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। और 1/2 टेबल स्पून आप इसमें डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर। ये नॉर्मल गरम मसाला है जिसमें हरी इलायची, लौंग, शाजीरा वगैरह है जो हम घर पर बनाते हैं। इसे मैंने अपने चैनल पर भी दिया है, आप उसे देख लें। और 1/2 टीस्पून ये चिकन मसाला है, कोई भी अच्छी ब्रांड का आप चिकन मसाला डाल दें। और 3/4 टेबल स्पून हम इसमें शाजीरा डाल देंगे, यानी 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम इसमें हमने शाजीरा ऐड किया। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे, साबित काली मिर्च हमने ऐड की। और 1 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर दीजिए। बड़ी इलायची को मैंने खोला नहीं है, बस उसको साबित ही डाला है, याद रखिए। और 4 से 5 इंच की दालचीनी यानी खलमी ऐड कर दीजिए। और ये रहे लौंग, जो हम 6 से 7 लौंग इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दीजिए। विनेगर थोड़ा सा इसके गोश्त के टेस्ट को भी बढ़ाएगा और गलने में भी मदद देगा। तो हमने इसमें विनेगर डाल दिया। और 1/2 कप इसमें आप फ्राइड अनियन, मीन्स तली हुई प्याज, जो बिरयानी के लिए ब्रिस्टा या प्याज तली जाती है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 कप हमने इसमें ऐड कर दी तली हुई प्याज। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। प्याज को अपने हाथों से क्रश करते हुए इस गोश्त पर लगा लीजिए। और हाँ, हम 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं, यानी 1 किलो चावल यानी 750 ग्राम्स की हम बिरयानी बना रहे हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो गोश्त, यानी 1 किलो गोश्त इस 1 किलो के चावल के लिए। और 1 टेबल स्पून हम इसमें केचप डालेंगे। देखिए, आजकल बावर्ची वगैरह इस तरह केचप और सॉसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और 2 टेबल स्पून हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। और हाँ, बावर्ची और रेस्टोरेंट्स में जो है ये लोग अजीनोमोटो यूज़ कर रहे हैं, मैं लेकिन अजीनोमोटो नहीं डालती हूँ, क्योंकि अजीनोमोटो काफ़ी हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, इसीलिए हम इसमें अजीनोमोटो यूज़ नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे कुछ देर रखिए, ताकि ये गोश्त के पीसेस मज़ेदार बने। और अब हम क्या करेंगे, 150 ml तली हुई प्याज का तेल लेंगे, यानी 150 ml हमने तली हुई प्याज का तेल लिया, उसे गर्म किया। और उसके बाद हमने ये जो अखनी का गोश्त बनाया था वो गोश्त हमने कढ़ाई में डाल दिया, और हाई फ्लेम पर अब हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। हमें इसे हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से चम्मच हिलाते हुए भून लेना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 400 ml दही, ठीक है। दही हमने इसमें ऐड करना है 400 ml या 350 ml तक हम इसमें दही ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और प्रेशर कुकर में डालकर 3 सीटी होने तक इसे गला लेंगे। इससे क्या होगा, गोश्त गल जाएगा। बावर्ची वगैरह इसे गलाते नहीं हैं, बस इसे ऐसे ही थोड़ी सी शक्कर डालकर छोड़ दिया जाता है और कच्ची अखनी की बनाई जाती है। उसके बाद आप इसमें पुदीना और हरा धनिया डाल दीजिए 3-3 टेबल स्पून, और हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें
और आधा कप ये क्रश किया हुआ काजू। काजू को बिल्कुल मोटा मोटा क्रश कीजिए, आप चाहें तो इसे गिरदा बेलन पे भी क्रश कर सकते हैं। क्रश किया हुआ काजू डालिए, इसे मिक्स कीजिए। इसे अब पकाइए नहीं, बिरयानी के चावल उबालने के लिए अब हम पानी गर्म करेंगे और उस उबलते हुए पानी में 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने इसमें थोड़ा सा तली हुई प्याज डाली और बाकी हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 750 ग्राम भीगे हुए बासमती चावल, यानी 1 किलो भीगे हुए बासमती चावल हमने इसमें ऐड किए। इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाइए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये 80% तक पक जाएंगे। जब ये 80% पक जाएंगे तब आप इसे निथार लीजिए, ठीक है। तो हम इसे निथार लेंगे यानी छान लेंगे। तो हमने इसका पानी अलग कर लिया है और उसके बाद जिस बर्तन में बिरयानी बनानी है उसमें आप एक पतली सी तह चावलों की बिछाइए और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बनाई गई अखनी। लेकिन पहले हमने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाली और उसके बाद हम इसमें ये अखनी डाल देंगे। और अखनी डालने के बाद आप ऊपर से ये चावल डाल दीजिए, निथारे हुए चावल डाल दीजिए और इसे बराबर कीजिए। देखिए इस तरह से बराबर कीजिए और इस पर डाल दीजिए तली हुई प्याज का तेल। हम इसमें अब 100 ml तली हुई प्याज का तेल डाल देंगे और ऊपर से 1 कप निथारा हुआ गर्म पानी, यानी जो पानी हमने में चावल पकाए थे वही पानी हमने 1 कप ऐड कर दिया। और साथ ही हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे। यह मैं ज़ाफ़रान को ऐसे ही साबित डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे गर्म पानी में भिगो कर डाल सकते हैं या दूध में भिगो कर डाल सकते हैं। प्याज डालिए और ढक्कन ढाँक कर इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाइए और लो फ्लेम पर आप इसे 20 से 25 मिनट पकाएंगे। उसके बाद देखिए ये बेहतरीन खुशबूदार बिरयानी हमारे पास तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है। देखिए गोश्त के पीसेस बिल्कुल लाल हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बिरयानी अब हमारे पास तैयार है। देखिए इसकी जो अखनी है वो भी लाल दिखाई दे रही है और गोश्त के जो पीसेस हैं वो भी लाल हैं। और इसमें खास तौर पर ये बात है कि बहुत सारे लोगों को बकरे के गोश्त की स्मेल पसंद नहीं होती है, तो इस तरह बनाने से जो है बकरे के गोश्त की स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत ही गोश्त के जो पीसेस हैं वो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आई होप कि आपको ये बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, आप उसमें से देख लें। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।